हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बता रही हूँ नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी की सेवा सुबह सुबह मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए, पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है। थोड़े से फूल, एक पान का पत्ता, 2 लौंगें और थोड़े से बतासे और किशमिश मिश्री, यही सारा सब कुछ जो है ना सुबह सुबह मैं माता रानी पर चढ़ाती हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से शेयर करूँगी कि डेली जो है ना मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो डेली जो है ना सबसे पहले शुरुआत होती है मेरे लड्डू गोपाल के साथ, क्योंकि दिन के 365 जो है दिन जो है ना मैं लड्डू गोपाल की पूजा जो है ना सबसे पहले करती हूँ। और ये नियम जो है ना मैं कभी बीच में नहीं तोड़ती। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, उससे पहले बिछा लेते हैं बैठने के लिए आसन। आसन पर बैठकर ही जो है ना हमेशा पूजा करनी चाहिए। अगर आप आसन पर बैठने में अगर आपको दिक्कत होती है तो पटे पर या स्टूल पर बैठकर भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने का तरीका जो है ना स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही जो है ना की जाती है। जैसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसी हिसाब से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। पूजा पूजा का मतलब क्या होता है? हमारे भाव भगवान के प्रति, और जैसा समय है, जैसी आपके पास व्यवस्था है, उस हिसाब से आप भगवान की सेवा कीजिए। कोई भगवान किसी दिखावे के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, बस उनकी सेवा आप सच्चे मन से और भाव से कीजिए। स्नान करने से पहले जो है ना भगवान के लिए मैं घंटी ज़रूर बजाती हूँ, ताकि भगवान जो है ना स्नान करने के लिए रेडी हो जाए। और यहाँ पर जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए दिन भर ही गिलसिया जो है ना भर कर रखती हूँ जल से। तो मैंने ताज़े पानी का जो है ना गिलसिया भर के रख दी है। पूरे दिन जो है ना इस तरह से ये पानी रखा रहता है। कभी कभी बीच बीच में जो है ना इस पानी को मैं ढक भी देती हूँ, क्योंकि कई बार जो होता है ना ऊपर से कचड़ा वगैरह भी गिर जाता है, तो मैं ढक देती हूँ दोपहर के टाइम इस पानी को। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। मैं कभी कभी जो है ना शंख से स्नान करा देती हूँ, कभी कभी इस तरह से लोटे से करा देती हूँ। तो इसलिए कराती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो है ना शंख नहीं होता, तो एक मन में होता है ना कि देखो हमारे पास तो शंख नहीं है, हम कैसे स्नान कराएं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, जो है जैसा है और जितना भी है उसमें बस भगवान की सच्चे मन से सेवा कीजिए। भगवानों को स्नान करा दिया, वस्त्र भी मैंने बदल दिए और इत्र भी जो है ना मैं रोज़ लगाती हूँ। आप लोगों से भी कहती हूँ इत्र आप ज़रूर लगाएं भगवान को। मंदिर में जो है ना एक खुशबू आती है ना, तो अलग ही मतलब माहौल हो जाता है, पूजा करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। उसके बाद जो है ना तस्वीरों को जो है ना मैं डेली गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से ये है देखिए मेरी राधा रानी नृत्य करते हुए। कहते हैं जिस घर में नृत्य करती हुई राधा रानी होती है, उस घर में जो है ना हमेशा खुशहाली रहती है, मन हमेशा शांत रहता है। तो आप इस तरह की तस्वीर को अपने घर में जो है ना रख सकते हैं। अभी जो है ना मैंने गलत दिशा में इसको रख दिया था, अब जो है ना मैंने सीधे इसको सही दिशा में रख दिया है। तो दिशा का ध्यान रखें, कभी भी भगवान का मुख जो है ना दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया बता दूँ, बात चली है तो बता देती हूँ। उत्तरीय पूर्वी कोने में जब हम भगवान को रखते हैं तो भगवान का मुख जो है ना पश्चिमी और दक्षिणीय दिशा में आता है। तो आपको कोशिश करना है भगवान का मुख जो है ना पश्चिमी दिशा में हो, इस तरह से भगवान को रखना है। दक्षिण दिशा में कभी देवी देवता का मुख नहीं रखना चाहिए। अपने हिसाब से मैनेज कर लें, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। और हाँ, पूजा करने की एक छोटी सी चीज़ जो है ना मेरी वो उसी वाले घर में छूट गई है, तो कभी जाऊंगी तब लेकर आऊंगी। वो चंदन और रोली लगाने वाला एक मेरे पास वो था ना, उसको क्या बोलते हैं, कटोरी टाइप की चीज़ छोटी छोटी, वो नहीं लेकर आ पाई हूँ। तो हाल फिलहाल जो है ना इसी प्लेट में थोड़ा सा चंदन रख लेती हूँ, थोड़ी सी रोली रख लेती हूँ, चावल रख लेती हूँ और उसको थोड़ा सा गीला करके जो है ना भगवान को लगा देती हूँ। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद करती हूँ माता रानी की सेवा। तो बस सबसे पहले जो है ना सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, जैसे कि तस्वीर है, रामायण है, और माता रानी को जो है ना गीले कपड़े से पोंछती हूँ। तो हल्का सा मैंने कपड़ा गीला किया है, बहुत ज़्यादा गीला मत करना, नहीं तो तस्वीर फोटो ख़राब हो जाती है। तो अगले दिन जो मैंने टीका लगाया होता है उसको पोंछ देती हूँ, बिंदी माता रानी की हटा देती हूँ। बिंदी को जो है ना मैं खुद ही यूज़ कर लेती हूँ, अपने माथे पर लगा लेती हूँ। और इस तरह से जो है ना हल्के हल्के हाथों से आपको पोंछना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा गीला मत करना, लेकिन
ज़्यादा कपड़ा गीला करोगे ना तो माता रानी का चेहरा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है। अगर आपकी धातु से बनी हुई मूर्ति है तो उनको आप अच्छे से स्नान करवा सकते हैं। बस इसके बाद मैंने शेर को भी अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया है और उसके बाद करती हूँ मैं माता रानी की पूजा। गौरी गणेश को जो है ना मैं डेली स्नान करवाती हूँ। अगर आपकी इस तरह की मूर्ति है तो आप डेली स्नान करवा दीजिए। अगर आपने सुपारी की और हल्दी के गांठ के अगर गौरी गणेश बनाए हैं तो उनको सिर्फ भाव का स्नान कराना है आपको। हल्का हल्का फूल से या अशोक के पत्ते से आप जल छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना स्नान करवाया जाता है। उसके बाद जो है ना बस मैं तिलक कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। अगर मंत्र नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, मन में आप ध्यान कीजिए माता रानी का। और कोई आपको माता रानी का अगर मंत्र आता है, कोई स्त्रोत आता है, तो उस स्त्रोत को जो है ना पूजा करते समय आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने माता रानी को तिलक कर दिया है, गौरी गणेश को अब मैं तिलक कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना सुबह सुबह के टाइम बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। पूजा थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ, 7:30 बजे तक जो है ना मेरी सुबह की पूजा हो जाती है। आप लोग कितने बजे तक पूजा करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और उसके बाद लगाती हूँ मैं इत्र। अगर नवरात्रि में 9 दिनों में आप माता रानी के लिए अलग अलग वस्त्र लेकर आए हैं तो आप बदल सकते हैं, 9 अलग अलग बुने वस्त्र डेली पहनाइए। अगर नहीं लेकर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उनको पहले दिन पहनाया है वही पहने रहने दीजिए, बस इत्र आप डेली लगाइए। गणेश को जो है ना मैं डेली कलावर रूपी वस्त्र अर्पित करती हूँ। और उसके बाद गणेश जी को भी जो है ना रोज़ आप चाहें तो उनका जनेऊ बदल सकते हैं। और अगर रोज़ बदलना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बदलना ज़रूरी भी नहीं होता। जो जनेऊ आपने पहले दिन पहनाया है उसी जनेऊ को जो है ना आप रोज़ पहना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैं डेली पूजा करती हूँ। उसके बाद माता रानी को रोज़ लगाती हूँ पान के पत्ते पर भोग। तो कैसे लगाती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप पान के पत्ते के जो है ना डंडी तोड़ लीजिए। इसका वीडियो पिछले साल भी मैंने एक डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया था और आज फिर से बता रही हूँ। तो इसमें 2 लौंगे रख ली हैं मैंने। बतासे माता रानी को ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। साझे बतासों का आप यूज़ करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हमेशा साझे बतासे यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद थोड़ी सी कटी हुई मिश्री और थोड़ी सी किशमिश जो है ना इसमें आपको रखना है। ये होता है माता रानी का भोग, ये भोग ज़रूर लगाना है। इसके अलावा आप जो लगाना चाहते हैं वो भोग माता रानी को लगा सकते हैं, लेकिन ये भोग आपको ज़रूर लगाना है। तो चलिए हम माता रानी को भोग अर्पित करते हैं। और सुबह सुबह डेली जो है ना मैं माता रानी को पान के पत्ते पर इस तरह से भोग में ज़रूर लगाती हूँ। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, दीदी आप 9 दिन तक माता रानी की सेवा कैसे करती हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो देखिए इस तरह से पूजा करती हूँ मैं। इसके बाद माता रानी का श्रृंगार में जो है ना मैं डेली माता रानी को नई बिंदी रोज लगाती हूँ। और उनकी जो पिछले दिन की मतलब दूसरे दिन की जो बिंदी होती है वो मैं अपने माथे पर लगा देती हूँ। तो इस तरह रोज़ जो है ना बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, लेकिन उनके माथे पर डेली जो है ना बिंदी मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो ये होता है माता रानी का सरल सिंपल तरीके से जो है ना डेली पूजन, बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए ये है मेरे लड्डू गोपाल का भोग। लड्डू गोपाल के भोग में जो है ना मैं तुलसी ज़रूर डालती हूँ, माता रानी के भोग में तुलसी नहीं डालती। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। सुबह सुबह की दिन की शुरुआत जो है ना इसी तरह की पूजा से होती है। शाम का वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा लगता है मुझे। नवरात्रि में माता रानी की पूजा में सिंदूर चढ़ाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर आप अभी तक नहीं चढ़ाते थे तो आज से चढ़ाना जरूर शुरू करें। सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है और सिंदूर का एक प्रयोग भी किया जाता है। उसका वीडियो मैं हो सकेगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाल फिलहाल आप माता रानी के ऊपर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। उसके बाद करती हूँ आरती। आरती में देखिए 2 दीपक रखे हैं,
एक में मैंने कपूर रखा है, कपूर के अंदर दो लौंगे डाली हैं और एक ठाकुर जी की आरती के लिए जो है ना मैंने अलग से घी का दीपक जलाया, जो कि मेरा रेगुलर है, जिसको मैं हमेशा जलाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना एक ही थाली में रखकर जो है ना सबकी साथ की साथ में आरती कर देती हूँ, क्योंकि पास पास में दो है ना सभी देवी देवता विराजमान है, अलग अलग से किसी की आरती नहीं करती, साथ की साथ में सबकी आरती हो जाती है। उसी में मैंने धूप बत्ती जला दी है और बिल्कुल सरल सिंपल तरीका है मेरा, बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं वही नियम अपनाती हूँ जिसको मैं नियमित रूप से जो है ना कर पाऊँ। आपको मेरा तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लोगों का एक लाइक जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये छोटे से दीपक में अखंड दीपक जो है ना अभी तक तो माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है, मैंने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया और बाकी सब माता रानी की देखिए इच्छा होती है। और कभी धोखे से अगर दीपक बुझ जाए तो मन में बिल्कुल भी कुछ ऐसा लेकर मत आना, हो जाती हैं गलतियाँ, जब हम पहली बार कुछ काम करते हैं ना तो थोड़ी बहुत जो है ना गलतियाँ हो जाती हैं। दीपक की बाती अगर बुझने जैसी लग रही है, बाती छोटी पड़ गई है, तो उसके साथ साथ जो है ना दूसरा दीपक आप जला दें, फिर जाकर जो है ना अखंड दीपक की बाती को ठीक करें। आई होप लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की माँ दुर्गा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।